बेटी ने एक आवाज दी है,
फिर धीरे धीरे अम्मी जान घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे यहाँ पे जिक्र रसूल की महफिल का इत्मीनान हुआ है, मामूलों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। अम्मी जान चलो घर चलते हैं, वहीं पर जाकर के रहेंगे। माने का बेटी घर चलेंगे, जिक्र रसूल की महफिल से महरूम रह जाएंगे, समाप्त नहीं कर पाएंगे। मामला क्या है, जैसे माँ ने अपने कहा था, अब जरा उसकी बच्ची का जायजा लो, उस बच्ची की सदा सुनो। आज की बच्चियों की भी तालीम अगर ऐसी होती तो आज का बुराई जन्म ले रही है, इन बुराइयों का वजूद नहीं होता। आज की तारीख में जो गुनाह जन्म ले रहे हैं, इन गुनाहों का वजूद नहीं होता है। उस बच्ची ने कहा था अम्मी जान चलो घर चलते हैं, और घर चलने के बाद जगह को साफ करेंगे, और साफ करने के बाद अम्मी जान मैं नाते मुस्तफा पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहना, रसूल की महफिल का एहतमाम। अम्मी जान मैं नाते पाकर मुस्तफा पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह करना, रसूल की माफी का एहतमाम हो जाएगा। अब दोनों घर चलते हैं, घर चलते पहुंचने के बाद एक जगह को साफ करते हैं। सिर्फ इस बात का बयान करने की कोशिश कि जिमाफी को जिनके नाम से निस्बत हासिल होती है वो जरूर तशरीफ लाया करते हैं, ये रसूल की माफी है, यहाँ मेरा रसूल जरूर आया है, या अल्लाह के फरिश्ते जरूर हाजिर दिए हुए हैं। आए लोगों, महफिल मिलादे मुस्तफा में जब कभी भी चुमला देने की कोशिश करो, इसलिए कि हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं। जब भी महफिल मिलादे मुस्तफा में बैठो तो पाक होकर के बैठो, और बावजूद बैठे करो, अगर पाक और बावजूद बैठोगे तो अल्लाह इसे कबूल फरमा लेगा। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद एक मकान को साफ करते हैं, साफ करने के बाद बैठ जाते हैं, मुस्तफा को पढ़ने लगते हैं, माँ सुभान अल्लाह की सदाएं अपनी जबान से निकालने लगती है। अब जरा जायजा लो, महफिल मिलादे मुस्तफा का इत्मीनान घर में हुआ, पता क्या चला कि इतने सारे लोगों को महफिल मिलादे मुस्तफा में मधु करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बंदा भी घर में रसूल की महफिल का इत्मीनान कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बंदा भी हो घर में जिक्र खुदा की रसूल का जिक्र खुदा और रसूल की महफिल का इत्मीनान करे, अगर अकीदत पे मबनी हो तो रब उसे कबूल फरमा लेता है। अब वो खातून है, सुभान अल्लाह कहती है, बेटी नाते पाके मुस्तफा को पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते महफिल इख्तिताम होने को है कि माँ ने पीछे मुड़ करके देखा, जैसे ही माँ ने पीछे मुड़ करके देखा है तो उसके घर की दहलीज पे गौसे पाक हाजिर है, उसके घर की दहलीज पे गौसे पाक हाजिर है, और सिर्फ हाजिर नहीं बल्कि अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं, हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं। तारीख को ये बताती है कि गौसे पाक हाजिर है, और अपने लब से उस खातून की दहलीज को चूम रहे हैं, उस खातून की दहलीज को चूम रहे हैं। उस खातून ने कहा, बुजुर्ग बता तो सही कौन हो? वक्त के गौस ने कहा, मैं वलियों का वली बगदाद का शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। खातून ने कहा, मेरे घर की चौखट पे आकर के चौखट को बोसा देने की जरूरत जो पेश आई, खातून ने इतना कहा है, वक्त के गौस ने कहा, खातून तुम तो ये देख रही हो कि वक्त का गौस तेरी तहलीज को चूम रहा है, मामला ये नहीं है, बल्कि अभी जब जब इस जगह पे महफिल मिलादे मुस्तफा का इत्मीनान हुआ था, मदीने से सरकार आए थे, इसीलिए दलील को मैं चूम रहा। पता क्या चला कि जहाँ कहीं भी जिक्र खुदा की महफिल का इत्मीनान हो, कोई आए या ना आए, वक्त का गौर आता है, अल्लाह के प्यारे हबीब
अभी इस बात को तस्लीम किया आज नहीं होगा बेशक बेशक अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ उल्फत के साथ